नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रोशन डीआर पे। दोस्तों इस समय आप मेरी बैकग्राउंड में एक सिंपल मशीन देख रहे हो। ये सिंपल मशीन हमारा काम आसान करेगी और आप सोच रहे होंगे कि इससे हमारा क्या काम आसान होगा। आया था कि लाइटनिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से होती है और जब लाइटनिंग होती है उसमें सिमल्टेनियसली लाइटनिंग के साथ साथ थंडरिंग भी होती है, यानी कि लाइट और साउंड दोनों चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। टाइम एट विच लाइटनिंग इज ऑब्जर्व इज 1 मिनट 19 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, एंड टाइम एट विच साउंड इज हर्ड इज 1 मिनट 26 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। कामियां जिनकी घरों में ढूंढते जो समुंदर न घरा, क्या फर्क पड़ेगा बूंद से। इसको मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली दोनों ओरिएंटेशन में रखूं और इसको मूव कराने की कोशिश करूं, ये नहीं होगा। लेकिन आप जैसे ही इसे रोलिंग ओरिएंटेशन में रखेंगे, ये देखिए मैंने ऐसे करके रखा तब भी तो ये मूव कर रहा है। ऐसे रखो कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए मूव कर रहा है, ऐसे रखिए आप, बेशक इसको ऐसे रखिए। ये देखिए, ये तो रहे 3 इफेक्ट फोर्स के। अब चौथे इफेक्ट के लिए मुझे ये बैलून चाहिए। इसकी आप शेप देख सकते हो, जैसे ही इसको मैं कंप्रेस करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, तो इसकी शेप चेंज हो गई। तो वी कैन से दैट ए फोर्स में चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। ओके, तो ये जैसे ही मैंने हाइट एच से मार्बल को छोड़ा तो ये नीचे की तरफ मूव किया, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करी, ये देख। और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जैसे ही पहुंचा तो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करने की कोशिश करता है और करता रहता है, और जब तक हॉरिजॉन्टल सरफेस रहता है ये मूव करता जा रहा है। लेकिन जैसे ही इंक्लिनेशन आती है फिर से इसकी स्पीड डिक्रीज होती है, एक मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड का एंटी नोड बनेगा। अब चूंकि हमने सेंटर में ही एक पेपर राइडर रखा हुआ है तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का एंटी नोड इस पेपर राइडर को मैक्सिमम डिस्टरबेंस देगा और पेपर राइडर नीचे गिर जाएगा। मेहनत था विश्वास, उभरता चला गया रास्ते में जो पत्थर सब बिखरता चला गया, मैं चीरता सबको, निकलता चला गया। कर्विलिनियर शेप की हैं, और अगर आप जैसे ही इन दो बार मैग्नेट्स को अट्रैक्टिव मोड पर रखते हो, ये देखिए अब नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के सामने हैं। यही आयरन फाइलिंग्स जो यहाँ पे पहले सीधी थी और अब आप देख रहे हो कि यहाँ सेंटर से इंद्रधनुष भी देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा इंद्रधनुष बन रहा है। जो शेप है इसी इसकी एक सर्कुलर आर्क की तरह है, इसका भी एक रीज़न है, उस पर भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे। अगर हम बात करें टग ऑफ वार गेम में आप जानते हो कि दो अलग अलग टीम्स एक बहुत बड़े रस्से को अपोजिट डायरेक्शन में खींचती हैं, और ऐसे में अगर दो टीम्स के खिलाड़ियों द्वारा लगाई गई फोर्सेस अनइक्वल होंगी तो जो टीम ज़्यादा फोर्स लगा रही है उस टीम के अलांग रस्सा और दूसरी टीम के खिलाड़ी खींचे चले जाएंगे और वो टीम जीत जाएगी। और ये एक एग्जांपल है अनबैलेंस्ड फोर्सेस का।